लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ के चलते दोनों देशों ने अपने टैंक्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। इस स्टैंड ऑफ के दौरान चाइनीज आर्मी ने बॉर्डर पर टाइप 15 लाइट टैंक को डिप्लॉय किया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी इंडियन आर्मी के पास चाइना के इस लाइट टैंक के बराबर का कोई भी सिस्टम नहीं है, इसीलिए इंडियन आर्मी ने T-72 अजेय और T-90 भीष्म टैंक्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक और रशिया के स्प्रुत SDM-1 लाइट टैंक, जिसमें इंडियन आर्मी काफी इंटरेस्टेड है, की कैपेबिलिटीज के बारे में विस्तार में बताएंगे। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना अति आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैंक किसी भी आर्मी के सबसे खतरनाक वेपन्स होते हैं और एक अच्छा टैंक किसी भी वॉर में जीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल टैंक्स जैसे कि T-72 और T-90 टैंक्स, जिनका वेट अप्रॉक्स 45 से 48 टन्स होता है, पहाड़ी इलाके की कमजोर रोड्स पर अपने ज्यादा वेट के चलते वो बहुत ही कम मूवमेंट कर पाते हैं। और इसी के लिए लाइट टैंक्स जिनका वेट नॉर्मल टैंक से कम होता है पहाड़ी इलाके में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1962 वॉर में भी इंडिया के पास फ्रांस के बने AMX-13 लाइट टैंक थे, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स के AN-12 प्लेन्स ने LAC पर पहुंचाया था। AMX-13 टैंक को इंडियन आर्मी ने रशियन PT-76, जो कि एक एम्फीबियस यानी पानी में तैरने वाले लाइट टैंक थे, से रिप्लेस किया। 1971 के इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में रशियन PT-76 लाइट टैंक्स बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे। PT-76 लाइट टैंक के रिटायरमेंट के बाद इंडियन आर्मी में आज तक कोई भी लाइट टैंक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि DRDO ने कई बार लाइट टैंक बनाने की कोशिश की, मगर अभी तक DRDO कोई भी इफेक्टिव लाइट टैंक नहीं बना पाया है। 1990s में DRDO ने इंडिया के BMP-2 सारथ, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, के ऊपर एक लाइट टैंक बनाने की कोशिश की थी। इस लाइट टैंक में फ्रांस के GIAT TS-90 टरेट, जिसमें 105mm गन लगी होती है, को BMP-2 की बॉडी के ऊपर लगाया गया था। DRDO के इस लाइट टैंक को आप वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 1998 तक क्लोज कर दिया गया था। इसके बाद भी इंडियन आर्मी ने अपनी लाइट टैंक्स की सर्च को जारी रखा और 2009 में इंडियन आर्मी ने लाइट टैंक्स के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसे हम RFIB बोलते हैं, जारी की, जिसमें 200 व्हील्ड और 100 ट्रैक्ड लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट बताई गई थी। इस टेंडर में इंडियन आर्मी ने यह कहा था कि लाइट टैंक का वेट 22 टन से कम होना चाहिए और लाइट टैंक 3000 मीटर यानी 12,000 फीट से भी ज्यादा हाइट वाले पहाड़ी इलाके जैसे कि लद्दाख में काम कर सके, लेकिन ये टेंडर भी आगे नहीं बढ़ पाया। 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चाइनीज आर्मी ने टाइप 15 लाइट टैंक LAC पर डिप्लॉय कर दिए और तब इंडियन आर्मी को लाइट टैंक्स की कमी बहुत महसूस हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप 15 लाइट टैंक, जिसे हम ZTQ-15 भी कहते हैं, चाइनीज आर्मी का एक थर्ड जनरेशन लाइट टैंक है। टाइप 15 टैंक को स्पेशली ऊंचे पहाड़ी इलाके जैसे कि तिब्बत के लिए बनाया गया था, क्योंकि तिब्बत के ऊंचे इलाकों में चाइनीज आर्मी के हैवी टैंक्स जैसे कि टाइप 96 टैंक्स, जिसका वेट 43 टन होता है, और टाइप 99 टैंक, जिसका वेट लगभग 58 टन होता है, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली। टाइप 15 लाइट टैंक का वेट लगभग 36 टन होता है और इसमें 1000 हॉर्स पावर के इंजन लगे हैं, जिससे यह सभी तरह के पहाड़ी इलाके में इजीली जा सकता है। टाइप 15 लाइट टैंक में एक 105mm राइफल्ड गन लगाई गई है, जो कि एक नई तरह की टंगस्टन अलॉय की बनी हुई APFSDS राउंड फायर करती है। चाइनीज आर्मी के अनुसार ये ज्यादातर टैंकों को 2 किलोमीटर दूर से ही बर्बाद कर सकता है। टाइप 15 लाइट वेट के चलते ही चाइनीज एयरफोर्स के Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ 2 टाइप 15 लाइट टैंक्स को लेकर 7,800 किलोमीटर तक जा सकता है, जिससे टाइप 15 लाइट टैंक को कभी भी जल्दी से तिब्बत एरिया में लाया जा सकता है। अभी इंडिया ने चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक के जवाब में LAC पर T-72 अजेय और T-90 भीष्म टैंक को डिप्लॉय किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी की T-72 अजेय और T-90 भीष्म टैंक्स चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि इन टैंक्स में 125mm स्मूथ बोर गन लगी हुई है, जो कि चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक की 105mm गन से ज्यादा पावरफुल है। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि 45 से 48 टन वेट वाली T-72 अजेय और T-90 भीष्म टैंक्स की प्रोटेक्शन 36 टन के टाइप 15 लाइट टैंक से कहीं ज्यादा है, और किसी भी ऊंचे प्लेन यानी मैदान में जैसे कि देवसांग प्लेन्स में इंडियन टैंक्स चाइनीज आर्मी लाइट टैंक्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि लद्दाख में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां इंडियन आर्मी के T-72 अजेय और T-90 भीष्म टैंक्स नहीं पहुंच सकते हैं, और इन्हीं जगहों के लिए इंडियन आर्मी रशिया से फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्प्रुत लाइट टैंक लेने का डिस्कशन कर रही है।
स्प्रुत लाइट टैंक का पूरा नाम 2S25M स्प्रुत SDM1 है और ये रशिया का एक नया लाइट टैंक है। स्प्रुत लाइट टैंक को बनाने के लिए रशिया ने BMD-4M एयरबॉर्न कॉम्बैट व्हीकल की चेसिस और T-90MS मेन बैटल टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम और साइट्स का यूज किया है। इस लाइट टैंक का वेट सिर्फ 18 टन है और इसमें 500 हॉर्स पावर का UTD-29 मल्टी फ्यूल डीजल इंजन लगाया गया है। अपने कम वेट और पावरफुल इंजन के चलते स्प्रुत लाइट टैंक लद्दाख के किसी भी इलाके में जा सकता है। T-72 और T-90 टैंकों की तरह स्प्रुत लाइट टैंक में फुली स्टेबलाइज्ड 125mm स्मूथ बोर गन लगाई गई है जो कि इंडियन टैंक्स के किसी भी एम्यूनिशन को यूज कर सकती है। इस गन की फायरिंग रेंज लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक है जो कि टाइप 15 लाइट टैंक की 105mm गन से ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा स्प्रुत लाइट टैंक अपने बैरल से लेजर गाइडेड इनवार एम एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 5 किलोमीटर रेंज वाली इनवार एम मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल में से एक मानी जाती है क्योंकि ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर और किसी भी चाइनीज हैवी टैंक जैसे कि टाइप 96 और टाइप 99 मेन बैटल टैंक्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक्चुअली में इनवार एम मिसाइल के चलते स्प्रुत लाइट टैंक चाइनीज आर्मी के किसी भी टैंक का सामना कर सकता है। 125mm स्मूथ बोर गन के अलावा इस लाइट टैंक में 2 7.62mm मशीन गन लगी है जिसमें से एक गन रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन पर होती है जिससे एनिमी सोल्जर्स को टारगेट किया जा सकता है। इसकी इन पावरफुल कैपेबिलिटीज के बाद अब बात करते हैं इसकी एक कमी की। इस लाइट टैंक का वेट कम रखने के चलते इसका आर्मर कमजोर है क्योंकि स्प्रुत टैंक सामने से सिर्फ 12.7mm मशीन गन्स की बुलेट को और साइड से सिर्फ 7.62mm लाइट मशीन गन की बुलेट्स को ही रोक सकता है जो कि बाकी टैंकों से काफी कम है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें आर्मर प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए T-90 भीष्म टैंक की तरह ही एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA पैनल्स लगाए जा सकते हैं। फाइनली इन टैंक्स के लाइट वेट की तो ऐसी एडवांटेजेस हैं जो इसे दुनिया का एक यूनिक टैंक बनाती है। नंबर वन, ये लाइट टैंक दुनिया का इकलौता ऐसा टैंक है जिसे एयर ड्रॉप किया जा सकता है और एयर ड्रॉप के दौरान टैंक के अंदर ट्रूप्स बैठे रह सकते हैं, यानी जैसे ही स्प्रुत टैंक जमीन पर लैंड करेगा इमीडिएटली एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। नंबर टू, ये लाइट टैंक एक फुल्ली एम्फीबियस टैंक है जो कि पानी की सरफेस पर फ्लोट करता है। स्प्रुत लाइट टैंक में 2 वाटर जेट्स लगाए गए हैं जिससे ये पानी के ऊपर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर तैर सकता है। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर्स होते हैं जिसमें कमांडर, गनर और ड्राइवर शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ 2 स्प्रुत लाइट टैंक्स को उनके क्रू के साथ पैरा ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इंडियन आर्मी की स्प्रुत लाइट टैंक डील फाइनल होती है तो हमें उम्मीद है कि इसमें एडिशनल आर्मर प्रोटेक्शन, फ्रांस के बने कैथरीन थर्मल इमेजर, सिक्योर इजरायली रेडियोस और साप के LEDS-150 एक्टिव सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा जो कि स्प्रुत टैंक को और भी पावरफुल बना देगा। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि DRDO और OFB मिलकर लाइट टैंक्स के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करें जिससे हमें विदेशी टैंकों पर निर्भर ना होना पड़े। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि स्प्रुत लाइट टैंक इंडियन आर्मी के लिए लद्दाख में एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित होगा और ये चाइनीज टाइप 15 लाइट टैंक को बराबर की टक्कर देगा। यही नहीं, अगर कभी इंडियन आर्मी ने तिब्बत के अंदर कोई भी बड़ा ऑपरेशन करना चाहा तो इंडिया के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और पैरा कमांडोज को सपोर्ट करने के लिए स्प्रुत लाइट टैंक को जरूर एयर ड्रॉप किया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को निसंदेह दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो अपलोड्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद।